सवाल है कि आरजेडी और कांग्रेस अभी गठबंधन में है, लेकिन भावंज विधानसभा के कुछ युवा हैं जो आरजेडी के रहते हैं लेकिन बदलाव चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? आप युवा संगठन वालों का एक सवाल है आपको लेकर के, और सवाल ये है कि जब एनआरसी वाला बात चल रहा था तो आप उनके स्टेज में जाके बैठे थे और वहाँ से आप एनआरसी के विरोध में बहुत सारे रैलियाँ भी उन लोग के साथ किए, लेकिन लॉकडाउन में जब आप लोग आपके पास वो लोग आए तो आपने उनकी बातों को अनदेखी कर दी। ये हमारे अबू इंतखाब दानिश की तरफ से ये सवाल है आखिर। हमारे दोस्त सरफराज प्यारे साहब, शमसी साहब जी, इंजीनियर सरताज साहब, आप तीनों को बेहतर जवाब मिला होगा। आप लोगों का था कि शिलान्यास होता है, काम नहीं होता है, आप लोगों को सवाल का जवाब मिला होगा बेहतर। सरफराज साहब, कालूपीर वाले जो ये बता रहे थे कि वहाँ का पुल क्यों नहीं बन रहा है, उसका भी जवाब विधायक जी बेहतर दिए हैं। और सर, एक सवाल है कि आरजेडी और कांग्रेस अभी गठबंधन में है, लेकिन भावंज विधानसभा के कुछ युवा हैं जो आरजेडी के रहते हैं लेकिन बदलाव चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? आप दोनों के आप लोगों के बीच में क्या मनभेद है, क्या मतभेद है, इसको भी थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन कीजिए। स्वाभाविक बात है, मैं कांग्रेस में हूं तो मैं कांग्रेस का बात करूंगा, वो राजद में है तो वो राजद का बात करेगा। वो भी चाहता होगा कि यहां से राजद का कैंडिडेट हो, गठबंधन में जो फैसला होगा पार्टी का हम भी मानेंगे, उनको भी मानना पड़ेगा। कल अगर आपको पार्टी आरजेडी से लड़ने बोले तो आप लड़ेंगे? नहीं, मैं क्या आरजेडी से क्यों लड़ूंगा, मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में रहूंगा, पार्टी का निर्णय जो होगा मैं मानूंगा। हमारे आयाज आलम साहब एक दोस्त हैं, उनका सवाल है कि 16 साल में आपने अब तक कोई ऐसा एक काम किया हो जिसे जनता याद करे, या फिर आप भी याद करे कि मैंने ये काम किया है, कोई ऐसा एक काम का नाम बताइए। लौचा पुल लोहागरा से क्या कहते हैं कि जनता जो जा रही है रोड, उसका चौड़ीकरण, और ये क्या कहते हैं दारुलूम चौक से हल्दीखुरा होते हुए आपका कटहलवाड़ी तक चौड़ीकरण का काम शुरू है, उसके बाद आपका झाला से निशंदरा तक 26 किलोमीटर रोड है जिसका चौड़ीकरण का काम चालू है। बहुत ऐसा काम है जो आपको क्या गिनाएंगे, इस तरह का आप अगर समय देंगे तो हम आपका पूरा डाटा दे देंगे आपको, कितना काम किए हैं नहीं किए हैं। सर, सवाल ये है कि आपने अभी तक किसानों के लिए क्या किया, क्या खाद बीज के लिए प्रखंड लेवल तक की बात किए हैं, क्योंकि इस बार किसानों को मक्का की खेती में बहुत नुकसान हुए है, बेमौसम बारिश हो गई, लोगों को रेट सही नहीं मिल पा रहे हैं, तो इससे आप सरकार से बात किए हैं इसको रेट को बढ़ाने के लिए, या सरकार के खिलाफ आप कोई कार्रवाई किए हैं? सबसे पहला सवाल हम ही किए थे कि बिहार सरकार यहाँ के किसान के लिए क्या कर रहा है। मक्का का खेती आधा से ज़्यादा खेत में रह गया, ये बिहार सरकार जवाब देगा, बिहार सरकार जवाब दे कि मक्का का खेती आधा खेत में क्यों रह गया, आप पैक्स के माध्यम से क्यों नहीं मक्का खरीदवाए, क्यों नहीं रेट आप फिक्स किए। मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ, नीतीश जी, जनता यहाँ का बिहार का किसान आपसे पूछना चाहता है और जानना चाहता है, और समय आ रहा है, इस अगर इसमें आप जवाब नहीं देंगे तो समय आने पर आपको जवाब मिल जाएगा। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ, किसान भाई के साथ दोहरी नीति हुआ है, किसान भाई को जो मक्का का खेती किया था कम से कम 25,000 रुपया एकर अगर मुआवजा नहीं देता है बिहार सरकार तो किसान के साथ बेईमानी होगा। सर, ये युवा संगठन वालों का एक सवाल है आपको लेकर के, और सवाल ये है कि जब एनआरसी वाला बात चल रहा था तो आप उनके स्टेज में जाके बैठे थे और वहाँ से आप एनआरसी के विरोध में बहुत सारे रैलियाँ भी उन लोग के साथ किए, लेकिन लॉकडाउन में जब आप लोग आपके पास वो लोग आए तो आपने उनकी बातों को अनदेखी कर दी। ये हमारे अबू इंतखाब दानिश की तरफ से ये सवाल है आखिर, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, एनआरसी के मुद्दे पर तो सब पार्टी के लोग एक झंडा के नीचे आया था, उस समय कोई झंडा नहीं था, कोई पार्टी नहीं था, कोई बैनर नहीं था, एक ही मुद्दा था कि भारत के मुसलमानों के साथ ये काला कानून लाया गया है, इसके विरोध में सब
एकजुट होकर के सब कोई मंच में आया था, उसमें किसी का बैनर नहीं था, किसी पार्टी का बैनर नहीं था। और रहा सवाल लॉकडाउन में, लॉकडाउन में तो अपना लोग अपना तरह से सब कोई अपना स्तर से मदद किया है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तो लोग गरीब लोग भूखे मर रहे थे, अपना अपना स्तर से लोग मदद किया है। और हमारे मुसलमान धर्म में है कि दाहिना हाथ से अगर देते हो तो बायां हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए, अगर आप किसी का मदद करते हैं तो आपको छुपा करके देना चाहिए, अगर मदद किसी को दिखा करके और फोटो खिंचाने के लिए कर रहे हैं तो ये उल्टे गुनाह का काम होता है। ऐसे लोगों को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि फोटो खिंचाने के बजाय आप लोगों का मदद करिए, कोई देखे ना देखे अल्लाह जरूर देखता है। सर आप इतने दिनों से यहाँ के विधायक हैं, लेकिन बहादुरगंज प्रखंड में या बहादुरगंज किसी जगह में भी सामूहिक शौचालय का अभी प्रबंध नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, सामूहिक शौचालय दिए हैं हम, रजिस्ट्री ऑफिस में मस्जिद में दिए हैं सामूहिक शौचालय। आपका 3 स्टार जो सिनेमा था, सिनेमा चल रहा था, वहाँ आपको सार्वजनिक स्थल में हम ये दिए हैं, शौचालय दिए हैं। जमीन का कमी है, आज कोई जमीन का व्यवस्था कर दे, आज हम नगर में देने के लिए तैयार हैं। जमीन का परेशानी है नगर में, नगर वाला जब तक हमको लिख करके नहीं देता है कि फलाना जगह मेरे पास जमीन है, आप वहाँ शौचालय बना सकते हैं, तब तक हम नहीं बना पाएंगे। आदिल रिजवान साहब हैं हमारे दोस्त और पेशे से वो टीचर हैं, उनका सवाल ये है कि अभी जो एक ही बस स्टैंड है पूरा भावन में, LRP चौक में जो बस स्टैंड है, वहाँ का हालत बहुत ही ख़राब है, इतना पानी एनी टाइम रहता है, उसका अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं बना अभी तक? या फिर वहाँ पे मिट्टी डलाई करके या राबिश डलाई करके वहाँ का मरम्मत क्यों नहीं किया गया? देखिए, वहाँ का नगर पंचायत का जो अध्यक्ष है वो जवाब देगा, ये नगर पंचायत के अंदर आता है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ना हम लोग फंड दे सकते हैं। अगर फंड देंगे उसी स्थिति में, जब नगर पंचायत का चेयरमैन मीटिंग में ये प्रस्ताव लेंगे कि हम लोग प्रस्ताव लेते हैं कि विधायक फंड से यहाँ मरम्मती का कार्य हो, तभी हम वहाँ फंडिंग दे सकते हैं, हम लोग अपने मन से फंड नहीं दे सकते हैं, ये नगर पंचायत का चीज़ है, नगर पंचायत ही करेगा। अंसार आलम साहब है जो कि लोचा बोचा बाड़ी से है, उनका कहना ये है कि बड़े दिनों से एक मदरसा है जो कच्चे हैं, तो उसके लिए क्या आपने कभी विधानसभा में आवाज़ उठाया, क्योंकि जितने मदरसा हैं लगभग पक्के हो चुके लेकिन वो अभी तक कच्चे क्यों हैं? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, जितने भी बहादुरगंज विधानसभा में मदरसा है, सारे मदरसा में हम अपना फंड से मदरसा दिए हैं, और ऐसा अगर कहीं है कच्ची तो उस कमेटी को कहिए हमसे भेंट करेगा, मैं आज भी भवन देने के लिए तैयार हूँ। अंसार आलम साहब, आपने सर का जवाब सुना, आप अपने कमेटी मेंबर से, कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं और जो अध्यक्ष हैं, उनसे बोलिए कि वह आके सर से मिले ताकि आपके मदरसा को बनाया जाए और बेहतर से बेहतर काम, पढ़ाई लिखाई हो बच्चों का। तो सवालों का सिलसिला यहाँ ख़त्म हुआ, सभी दोस्तों के सवालात के जवाब बेहतर मिले होंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे विधायक जी का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम से निकाल करके हमको कुछ टाइम दिए हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका। और मैं आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चैनल के माध्यम से मैं जो भी बोला हूँ सत्य बोला हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप चलाएंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे, और मेरा बात में कहीं भी गलत नहीं है, और मैं चाहूँगा कि आप के माध्यम आपके चैनल के माध्यम से मेरा आँख खोलने का काम करें, ताकि हो सकता है कि हमारे अंदर कोई कमी है तो हम उसका पूरा करेंगे। तो आप सर का सब बात को सुने, और मैं कहना ये चाहूँगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। कैमरामैन चंदन सिन्हा के साथ मैं आपका दोस्त रियाज राही, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।